नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई है। दमोनगर के टाके चौराहे के समीप गोली चलने का मामला सामने आया, जिसमें कतील कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। इनके पीठ में छर्रे लगे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई बुराई नहीं है। अचानक से गोली चली। एक कंप्यूटर की शॉप पर वे बैठे हुए थे, अचानक से एक युवक आया जिसके द्वारा गोली चलाई गई। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें गोली मारने वाला युवक दिखाई दे रहा है, जो राम मंदिर की गली से यहां पर पहुंचा और उसके द्वारा गोली चलाई गई और वापस इसी रास्ते से वह भाग खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से युवक आया है, उसके द्वारा कट्टा निकाला गया है और उसके बाद फायर किया गया है। युवक अपना मुंह बांधे था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। एक बार पुनः हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं किस तरह से घटना घटी है। बीच शहर में गोली चलने के बाद पुलिस मौके पर है और आरोपी की तलाश कर रही है। संपूर्ण मामले में जल्द खुलासा हो सकता है कि आरोपी कौन था, क्योंकि पुलिस इस आरोपी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है। जल्द ही इस मामले का खुलासा हो सकता है। युवक की पहचान जल्द ही होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुके हैं। घटना के बाद घायल का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। काफ़ी फेमस कॉलेज टेलर के ये मालिक हैं। आइए संपूर्ण मामले के संबंध में जानते हैं कि किस तरह से ये घटना घटी। मैं दुकान से तीसरे चौथे नंबर की दुकान है कंप्यूटर की, वहाँ अपना कंप्यूटर का काम करवाने राजेंद्र विश्वकर्मा की दुकान पे गया। वहाँ हम खड़े थे, दुकान वाले अपने कंप्यूटर का टाइपिंग का वर्क कर रहे थे और एक और शादी का आर्ड अपना बनवा रहे थे, तो वो थे। बस इस बीच आठ बजने को 2-3 मिनट होंगे और बहुत ज़ोरों से एकदम धमाका हुआ। और जब हम लोग बाहर निकले तो एक लड़के को मैंने देखा, कट्टा दुकान के साइड में किए, काला काला है, तगड़ा है और अभी दिमाग में नहीं आ रहा पहचान पाए कि ना पहचान पाए। चक्कर से भी कुछ भर रहे हैं, जलन हो रही है बहुत, और राम मंदिर के अंदर भागा है वो। किसको मारा था वो? अब ये समझ में ही नहीं आया कि उसने फायर किसके लिए किया है। मेरा किसी से कोई झगड़ा है ही नहीं है, कभी कोई ऐसा मैटर ही नहीं है हमारा किसी से। आपको क्या लगा जी? आपको क्या लगा? मेरे को यही छर्रे वगैरह लगे हैं, उसकी दुकान में भी मिला है टॉर्च वगैरह। यश राजेंद्र विश्वकर्मा नाम उसकी दुकान कंप्यूटर पे, वहाँ मैं अपना काम कर रहा था। क्या नाम लिखते हैं? मैं कतील कुरैशी। क्या मामला है सर? क्या ये कतीब कुरैशी जी आए थे अपने यहाँ पे, तकरीबन 8:30 के बाद आए थे और इनको फायर आर्म इंजरी लग रही है लेफ्ट शोल्डर में, बैक साइड रीजन में, और इनका भी प्राइमरी मैनेजमेंट कर दिया गया है और इनको ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है पहले से, तो बीपी भी बढ़ा हुआ आया था, तो इनको अभी प्राइमरी मैनेजमेंट करके सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। बाकी फाइनल ओपिनियन सर्जिकल जो है देने के बाद ही पता चलेगा कि कॉज क्या है। और इनका शर्ट जो पहने हुए थे उसको प्रिजर्व करा लिया है, बनियान प्रिजर्व करा ली है और फॉरेंसिक के लिए पुलिस द्वारा सौंपा गया है, पुलिस को सौंपा गया है। आगे की जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। कोई शरीर में निशान वगैरह? शरीर में निशान पैलेट्स के निशान हैं, मल्टीपल रेड मार्क हैं बैक साइड ऑफ लेफ्ट शोल्डर, तो वो उसमें कार्बन पार्टिकल्स अगर मिलेंगे तो वो फॉरेंसिक लैब से मिलेंगे और शर्ट जो उन्होंने पहनी थी उसमें आ जाएंगे। मरीज ने क्या बताया तुम? क्या मरीज ने ये बताया है कि वो कहीं खड़ा था मार्केट में और कोई दुकान वकान थी उसके सामने खड़ा हुआ था, बैक साइड से किसी ने बंदूक चलाने जैसी उसको आवाज़ आई और उसको छिलन के निशान आ गए पीठ में, उसके बाद अस्पताल में आया था। पुलिस के द्वारा इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। पुलिस मौके पर है और संपूर्ण मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेखौफ होकर एक युवक आया, नकाब पोश युवक था जिसके द्वारा गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी फुटेज है, एक्सक्लूसिव है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये अंजाम दिया गया है घटना को। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में
जल्द ही खुलासे की बात कही जा रही है। पुलिस मौके पर है, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर है, जिनके द्वारा इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।